सीक्वेंस और सीरीज का कुछ इंट्रो पढ़े थे। इंट्रो के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली में कुछ सवाल लिखेंगे। सवाल में आपको दिया जाएगा कि आप उसके प्रथम पांच पद लिखिए। किसी भी सीक्वेंस का क्या लिखना है, प्रथम पांच पद लिखना है, जिसमें आपको जन्मा पद दिया जाएगा। अब पहले जान लीजिए जन्मा पद क्या है। जान लीजिए व्यापक पद, जन्मा पद या फिर ए एन, जिसे दिखाते कैसे ए एन से। आपको ए एन दिया जाएगा कि ए एन दिया जाए, ए एन बराबर क्या आपको दे दे कि क्या इसका पांच पद बताइए। यन इंटू यन माइनस टू, ये आपको किसके पहले प्रथम पांच पद लिखिए। ऐसा कोई सीक्वेंस का जन्म पद का फार्मूला ये होता है। जन्म पद को कैसे लिखते हैं, ए एन से। अगर ए एन इतना दिया गया तो आप इसके पांच पद लिखने हैं, तो ये बहुत आसान होता है। यन के कितने प्रथम पद लिखने हैं, प्रथम पांच पद, प्रथम पांच पद लिखने हैं तभी सवाल पे। अगर यहाँ ए वन कर देंगे मतलब तो पहला पद, ए वन बराबर क्या हो गया पहला पद, ए टू बराबर दूसरा पद, ए थ्री बराबर तीसरा पद, ए फोर चौथा पद, ए फाइव पांचवा पद, मतलब आपको यही पांचवे सिर्फ यही पांच पद आपको बताने हैं। ये आपको पांचों पद यहाँ क्या किया गया, यंग की वैल्यू थी, यंग के स्थान पे क्या रखे एक, तो पहला पद हो गया। मतलब जहां ये साइड में भी क्या करेंगे, यंग की बराबर क्या रखेंगे एक रख देंगे, तो जाएगा एक कोष्ठक में एक माइनस दो। अब देखिए एक एक में से दो घटाएंगे तो माइनस में एक बच जाएगा, मतलब वो एक बुढ़े माइनस एक, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना माइनस में वन। फिर देखिए अगर यंग की वैल्यू दो रखेंगे, क्योंकि यहाँ ए टू है तो मतलब यंग की वैल्यू कितना रखा जाएगा टू, तो क्या दो बुढ़े दो माइनस दो। अब देखिए दो में से दो गया कितना है जीरो, तो दो गुणे जीरो बराबर आगे कितना जीरो, ये आगे दूसरा पद क्या गया जीरो। फिर तीन रखिए ए थ्री है तो यन की वैल्यू कितना रखिए तीन, सिर्फ यन की ही वैल्यू रखनी है आपको पांचों पद मिल जाएंगे। पांच पद क्या चाहे जितने पद चाहेंगे आप अपना पद निकाल सकते हैं। ए थ्री थ्री माइनस टू, अब देखिए तीन तीन में से दो घटाएंगे कितना आएगा एक, तीन गुणे एक बराबर आगे तीन एक तीन। अब देखिए रखिए चार चार माइनस दो बराबर आ गया चार गुणे दो बराबर आ गया आठ। हर जगह यहाँ जो वैल्यू है वही रख दीजिए, पांच पांच माइनस दो बराबर आ गया पांच गुणे तीन, क्योंकि पांच का उधर तीन में करेंगे सॉरी पांच में से तीन घटाएंगे कितना आ जाएगा दो तीन आ सॉरी पांच में से दो घटाएंगे तीन आ जाएगा पांच में पंद्रह। अब देखिए आपका क्या मिला, पांचों पद मिल गया, पहला पद है माइनस वन जीरो तीन आठ पंद्रह, सिर्फ आपको पद बताने थे। अभी देखिए दूसरा सवाल जैसे और दिया गया है, सिर्फ क्या करना है आपको एंथ दिया गया है, मतलब यनवा पद दिया गया है और आपको पांच पद निकालने हैं। अगर दिया गया है यन यन प्लस फाइव बाई यन स्क्वायर प्लस फाइव बाई फोर, ये दिया गया है आपको, कह रहा है इसके पांच पद निकालिए। कितने पद निकालने हैं, पांच पद निकालने हैं, तो यन की वैल्यू क्या रखिएगा पहले ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, पांच वीडियो पांच आपके क्या है पद है, पांचों पद में आप यन की वैल्यू पहले एक रखें फिर दो रखें तीन रखें चार रखें फिर पांच रखें। यन बराबर एक रखेंगे तो एक गुणे एक का स्क्वायर प्लस पांच बटे चार हो गया। अब एक का उपयोग करें वही आ जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे एक एक के एक आएगा एक में पांच जोड़ेंगे छह आ गया, तो आगे कितना छह बटे चार और इसकी वैल्यू आ गई कितना तीन बटे दो। सिर्फ सॉल्व कर लीजिए आप, यन की वैल्यू एक रखे फिर अब दो रखे फिर तीन रखे चार रखे पांच रखे ऐसे रखते चले जाइए। यन की वैल्यू दो रखेंगे तो क्या दो बुढ़े दो का स्क्वायर प्लस पांच बटे आ गया कितना चार, अभी हो गया क्या दो दूनी चार पांच नौ, तो आगे दो गुणे नौ बटे चार, दो एक के दो दो दूनी चार दो कट गया आगे कितना नौ बटे दो। फिर देखिए यन की वैल्यू तीन रखिए तो आगे तीन गुणे तीन का स्क्वायर प्लस पांच बटे चार, अब देखिए इसमें क्या हुआ तीन का स्क्वायर करेंगे नौ नौ पांच चौदह, तो तीन गुणे चौदह बटे चार दो दूनी चार दो सबसे चौदह सात इक्कीस बटे दो आ गया। फिर देखिए अब क्या रखेंगे यन की वैल्यू चार चार गुणे चार का स्क्वायर प्लस पांच बटे चार, यहां सिर्फ चार रखा जा रहा है, जितनी यन की वैल्यू आ रही है बदलते चले जा रहे, वही आप पहले फार्मूले में ही आप सारे में यन की वैल्यू रख देंगे एक दो तीन चार पांच, पांच पद निकाले तो पांच में रख दिया गया।
अब यहाँ रखा क्या, तो चार गुणे चार का स्क्वायर करेंगे 16, 16 चार 21, 16 पांच 21, बटे आ गया चार, चार से चार करके कितना आया ये 21 आ गया। फिर पांच रखे, पांच गुणे पांच का स्क्वायर प्लस पांच बटे में चार, अब क्या हो गया पांच का, तो देखिए पांच का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में पांच जोड़ेंगे कितना आ गया 30, तो पांच गुणे 30 बटे चार आ गया, चार से काटे दो, तो दो 15, 15 बचे 75 बटे दो आ गया। आपको देखेंगे क्या पांचों पर फिर से निकल गया आपका, सबसे सरल यही आपका पद निकालने, तो एन की वैल्यू रखते जाइए, कितने पद निकालने, पांच निकाल लेते, हमने पांच करके ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, एन की वैल्यू हमने हमेशा बदलती गई, एन वैल्यू एक दो तीन चार और पांच रखिए दोनों साइड, यहाँ रखे वन टू थ्री हो गया और यहाँ रखे एन की वैल्यू, तो ये आपका मानना है मतलब पांचों पद क्या हुआ हमारे पता चल गए। फिर वही कहता है कि आपको प्रथम पांच पद बताने, क्या करते हैं प्रथम पांच पद मतलब एन की वैल्यू आप रख के चले जाइए, क्या रखेंगे एन की वैल्यू 1 2 3 4 5, इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड रखेंगे तो रहेगा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव हो गया। अब देखिए यहाँ वन एन की वैल्यू एक रखेंगे तो क्या होगा, माइनस वन का पावर वन माइनस वन, एक में से एक घटाएंगे कितना हो गया जीरो, और किसी संख्या का पावर अगर जीरो कितनी वैल्यू आएगी, यहां से रखेंगे वन प्लस में वन, फिर देखिए यहां से क्या हुआ एक की पावर माइनस एक है, किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो है तो वह संख्या कितनी होगी एक होगी, गुणे पांच, पांच का पावर एक एक होगा कितना दो, तो पांच का पावर दो मतलब एक प्लस 25 सॉरी एक गुणे 25 बराबर 25 एक 25 आ गया। फिर देखिए दूसरा माइनस एक का पावर क्या आ गया, अब एन की वैल्यू कितना रखेंगे दो रखेंगे, दो में से घटाएंगे दो माइनस एक गुणे पांच का पावर दो प्लस एक, अभी हो गया दो में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा एक, माइनस वन का पावर एक आ गया गुणे पांच का पावर तीन आ गया, तो कितना आया माइनस वन है मतलब तो पावर एक है तो भाई माइनस वन ही होगा, माइनस वन गुणे पांच पदम 25 वन से 125 माइनस में कितना आ गया 125 आ गया। फिर देखिए माइनस वन का पावर तीन रखेंगे एन की वैल्यू तीन माइनस एक गुणे पांच का पावर तीन प्लस एक, तो आ गया देखिए माइनस में एक है पावर कितना आ रहा तीन में से आ गया कितना दो बचा, तो एक का पावर दो आ गया और यहाँ बचा पांच का पावर चार, तो माइनस एक का पावर दो है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा प्लस में एक आ गया और पांच का स्क्वायर करेंगे तो 600 सॉरी पांच की पावर चार करेंगे तो 625 आ गया, गुणे हो गया 625 आ गया। फिर देखिए पांच एक की पावर एक एक और एन के स्थान पे क्या रखा जाएगा फोर रखा गया, फोर माइनस वन फाइव का पावर फोर प्लस वन, ये आ गया कंडीशन। देखिए अब देखिए ये थ्री आ गया, थ्री माइनस वन का पावर कितना आ गया थ्री गुणे आ गया फाइव का पावर फाइव, अब देखिए माइनस वन का क्यूब करेंगे तो ये स्क्वायर करने पर प्लस हो रहा था और देखिए जैसे क्यूब है माइनस वन का क्या करना है क्यूब करना है मतलब इसको पहले लिख सकते हैं माइनस वन का स्क्वायर गुणे माइनस वन, क्या करेंगे गुणे माइनस वन, इसका स्क्वायर करने पर ये प्लस वन हो जाएगा गुणे माइनस वन और प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब क्या हुआ लास्ट में फिर आएगा माइनस आएगा माइनस वन गुणे 25 का पांच का पावर पांच करेंगे मतलब इसमें 500 का 525 5 गुणे 10 2 12 16 का 1 5 6 का 30 इसे के 31 आगे माइनस 3125। अब देखिए पांच रख दीजिए माइनस एक का पावर पांच माइनस एक गुणे पांच का पावर पांच प्लस एक, सीधे एन की वैल्यू क्या रख रहे हैं पांच रख रहे हैं, अब एन माइनस एक का पावर कितना आ गया चार आ गया गुणे पांच का पावर आ गया कितना छह, माइनस वन का पावर फोर है किया जाएगा प्लस में एक गुणे 15625 आएगा, पांच पावर छह का तो ये हो गया 15625। अब देखिए इसमें एक कॉमन बात है थोड़ी सी सोचने की बात है, जब पावर विषम संख्या हो किसी भी माइनस की संख्या का अगर ये सम संख्या पावर है तो ये धनात्मक आएगा और माइनस एक्स का पावर अगर विषम संख्या है तो इसकी मान कितना आएगा ऋणात्मक आएगा, ये दो बातें नोट कर ली, यहाँ माइनस वन का पावर एक था तो एक था इसलिए माइनस में उत्तर आया, माइनस एक का पावर दो है इसलिए उत्तर कैसे आया प्लस में आया, फिर देखिए माइनस वन का पावर विषम है तो फिर आया कितना माइनस में, फिर पावर सम है तो ये आया प्लस में, तो ये आप देख सकते हैं जहां विषम है वहां
माइनस और जहां सम है वो प्लस में आया था। इसमें यन पर आपका दिया गया है A17 और A24 पूछ रहा है, मतलब आपको यन की वैल्यू यहाँ यन है वहां 17 एक बार रखना है और यहाँ यन की वैल्यू एक बार 24 रखना है। बस क्या करेंगे, A17 मतलब यन की वैल्यू क्या रखा गया है 17 A17 हो गया 4×17 माइनस में 3 आ गया क्योंकि वो 17वां पद हमसे पूछ रहा था। A17 मतलब हो गया 17वां पद, A14 मतलब 24वां पद, तो ये 17 मतलब 17 रख दीजिए, 17 के ऊपर 68 माइनस में 3 करेंगे कितना जाएगा आंसर 65 आ गया। फिर ये 24 की पता करना होगा तो आप रखेंगे 4×n की वैल्यू कितना है 24, तो 24 माइनस में 3 24 के ऊपर 96 माइनस में 3 आगे कितना 93। ठीक है, देखिए आपका इसमें दिया क्या है, an वैल्यू दी गई है -1^(a-1) n का क्यूब बराबर a9 की वैल्यू बताइए। फिर उसी प्रकार का सवाल है, a9 पूछ रहा है हमसे, तो a9 पूछ रहा है मतलब n की वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे, इसने 9 रखा है, इसने यहाँ दिख रहा है a9 मतलब यहाँ n की वैल्यू कितना रखा गया है 9, n की वैल्यू कितना है 9 है, तो a9 बराबर हो जाएगा -1^(9-1), n के स्थान पे क्या रखेंगे 9-1 और 9^3। अब देखिए 9-1 है तो 8 हो गया, कितना पावर हो गया 8×9^3। अब देखिए -1 सम संख्या है, क्या है -1 सम संख्या है, तो ये वैल्यू कितना आएगी प्लस में आएगा, तो ये हो गया +1 और ×9³ करिए 9×9=792 आ गया और ये कितना वैल्यू आ गया इसका 729 आ गया। सिर्फ जहाँ यन की A9 दिया गया 9, A17 दिया गया 17, यन की वैल्यू वही रखना पड़ेगा जितना उसमें दिया रहेगा। देखिए आपका सवाल दिया गया, इसमें कह रहा है कि पद संगत पद लिखिए, मतलब कम से कम 2-3 पद लिखिए, 3-4 पद लिखिए और उसका बताइए कौन सी श्रेणी में है। तो सबसे पहले क्या A1 दिया गया, मतलब पहला पद आपको दे ही दिया गया है कि A1 बराबर कितना दिया गया है 3 है, वो कैसे है वो तो दिया गया है, कितना छोड़ दीजिए पहला पद। अब देखिए अगर 5 पद लिखना है A1 3 है वो दिया गया, फिर देखिए A2 निकालिए, क्या निकालेंगे A2, फिर निकालेंगे क्या A3, फिर निकालेंगे A4, बस इतना निकाल दे, उसके बाद अगर जो दिया जाएगा कि ये कौन से टर्म्स में आ रहे हैं कौन सा सीक्वेंस बन रहा है वो बता देंगे। A2 कैसे निकलेगा, A2 के लिए यहाँ An दिया गया ना, An की वैल्यू दी गई है, सिर्फ n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे 2 रखिए, 3 A 2-1 + 2 यही रखा गया ना हमने, क्या किया ऐसे n की वैल्यू क्या रखी इस समीकरण में 2 रख दिया गया है, n बराबर कितना रखे 2, n बराबर 2 के आगे क्या हमारा 3, 2 में से 1 घटेगा क्या रहेगा 1 आ गया, ये हो गया 3A1 + 2 आ गया, मतलब 3A1 मतलब जो पहला पद है उसको यहाँ रख दीजिए 3A1, इसका मतलब होता है ये भुला के जा रहा है 3A1। अब देखिए तो A1 की वैल्यू रख दीजिए 3×A1 की वैल्यू क्या हमारी है 3 आया है और प्लस में कर दीजिए 2×3=9, 9 तो कितना हो गया 9 तो हमारा आ गया 11। फिर देखिए A3 का मैच, A3 में भी वही आपकी n की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रख दीजिए, तो 3A^3-1+2 आ गया। फिर देखिए यहाँ आ गया 3×A^3-2 करेंगे तो A2 हो गया, 3 में से घटा कितना जाएगा 2 A2, मतलब यही A2 की वैल्यू जो 11 आई है, A2 की वैल्यू कितना आ गया हमारा 11 आया है, ये 11 इसमें रखना है और ये प्लस में 2 कर देना है 3×11 और ये हो गया प्लस में 2 11 33 2, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ n की वैल्यू रखा जा रहा है आपका और सवाल को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। एक वैल्यू 4 रखिए तो 3×A^4-1 और ये हो गया प्लस में 2, तो 3×A^4-1 4 में से 1 घटाएं कितना जाएगा 3 A3 प्लस में आ गया 2, A3 की वैल्यू कितना होगा आपका, A3 की वैल्यू यहाँ से आया है 35, A3 की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 35 रख देंगे, यह आ गया क्या 3×35+2
35 दूरी 70 तेंगे 105, 105 में दो जोड़ेंगे कितना आ गया 107 आ गया। फिर देखिए अब यहां से देख लीजिए, पहला पद क्या आया 3, दूसरा पद आया 11, चौथा पद आ गया 35, पांचवा पद क्या आया 107 है। क्या ये संगत जो है किस श्रेणी में जा रहे हैं? ये कोई भी हमें संगत श्रेणी नहीं दिख रहा है कि वो किस टर्म में जा रहे हैं। हम लोग कहेंगे यह क्या है, एपी में नहीं है, न एपी में है न जीपी में। ठीक है, इस प्रकार से आप इस सबको क्या कह सकते हैं, जो अगर एपी में है तो एपी में जाएंगे, जो एपी में नहीं जाएगा वो एपी में नहीं है, लेकिन उसके पद निकल जाएंगे। पद कैसे निकला, A1 की वैल्यू दी गई थी 3 दिया गया था, फिर A2 निकालने के लिए तो रखा गया इस फार्मूले में रख दिया वैल्यू, और A2 की वैल्यू रख के चले गया कि हाँ A1 की वैल्यू फिर मांगने लगा, A1 की जब वैल्यू मांगा हमने यहाँ से जाके A1 की वैल्यू रख दी 3 × 3 और 2 कर दिए, 3 त्रिकोण 9 तो 11 हो गया। फिर उसी प्रकार A3 का A4 का निकाल लिया, और इसके बाद देख ली कि ये क्या सिक्वेंस बन रहा है, ये हम लोगों का सिक्वेंस नहीं बन रहा है, क्या ये सिक्वेंस नहीं है। देखिए ये सॉल्व किया गया, इसको भी आपको कुछ पद निकालने, पद निकालने के बाद उसको श्रेणी बताने की श्रेणी में वो है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, A1 भी इसमें भी दिया गया है, A1 मतलब प्रथम पद दिया गया आपको, फिर दिया गया है कि ये An है मतलब ग्यारहवां पद भी दिया गया है, और दिया गया है n = 2 मतलब n = 2 या फिर greater than 2 मतलब n की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर हो सकता है, फिर 2 से ज्यादा हो सकता है, मतलब एक रखना ही रखना नहीं है ना। तब रखेंगे n की वैल्यू पहले रख देंगे क्या 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आ जाएगा क्या A2 या क्या क्या A2 मतलब क्या होता है दूसरा वाला पद ही ना, ये सीरियल अपना स्टार्ट हो गया। फिर देखिए n की वैल्यू 2 रखेंगे तो A2 - 1/2 ना, n की वैल्यू कितना रखे हमने 2 रखा, 2 में से एक घटाएंगे क्या आ जाएगा A, तो 2 में से एक घटाने पे एक आया और A1/2 आ गया, और यहाँ से A1 की वैल्यू में पता है माइनस में 1 है, यहाँ A1 की वैल्यू क्या है -1/2 मतलब A2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से A2 बराबर आ गया -1/2 आ गया। फिर देखिए A3 निकाल लीजिए यहीं से, A3 कैसे निकलेगा, n की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से n की वैल्यू 3 रखे, n की वैल्यू रखेंगे ये हो गया A3 तो हो गया A3 - 1/3 तो A3 - 1 मतलब A2 / हो गया 3, A2 / 3 A2 की वैल्यू क्या है -1/2 और 2 / 3 आ गया 3 आ गया, अब ये हो गया क्या -1/6। फिर देखिए A4 मतलब हो गया A4 - 1/4 n की वैल्यू 4 रखने पर ना, n की वैल्यू जो 4 रखे 3 रखे 2 रखे और देख रहे n की वैल्यू क्या हो रहा है 2 से बड़ा जाता जा रहा है, ये 2 रखा 3 रखा 4 रखा, दो n की वैल्यू 2 से छोटी नहीं रखी, क्योंकि 4 - 1 मतलब हो गया A3/4 A3 की वैल्यू क्या आई है -1/6 और इसे बटे करना है 4 और 1/6 को और 4 भाग करना है, ये आ गया -1/24। ठीक है, अब आपका ये सीरियल का हो गया, अब 4 लिखेंगे, 4 से लिखे पहचानिए क्या एक सीक्वेंस में आ रहा है या फिर कौन सा सीक्वेंस जा रहा है, तो -1 - 1/2 - 1/6 - 1/24 देख रहे हैं घटाने पे तो कोई सीक्वेंस नहीं आ पाएगा, घटाने पे क्या हो रहा है सीक्वेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके और सवाल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।